शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पति पत्नी के विवाद के चलते पति को अपनी पत्नी को जान से मारने का प्रयास करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार अजनी पुलिस स्टेशन अंतर्गत रेलवे क्वार्टर नंबर RB 270 बी निवासी नयन विक्की रोकड़े और विक्की दामोदर रोकड़े दोनों पति पत्नी है। पति के अनैतिक संबंध होने के संदेह के चलते पति और पत्नी में विवाद होते रहते थे। रविवार को विक्की रोकड़े घर से बाहर जाने की बात कहते हुए निकला, जिसके बाद पत्नी ने उसे कहा कि आज छुट्टी है, फिर बाहर क्यों जा रहे हो, घर पर ही बच्चों के साथ खेलो। इतना ही नहीं, बुधवार को किए गए वीडियो कॉल के संबंध में पूछने पर फिर से दोनों का विवाद हो गया और पति ने घर से चाकू लाया और पत्नी को जान से मारने के उद्देश्य से सिर पर चाकू से प्रहार कर दिया। इसमें उसकी पत्नी नयन रोकड़े गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस घटना की शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। कल जी घटना है, पुलिस रेलवे क्वार्टर इधे रेलवे मध्य नौकरी करना विक्की रोकड़े अपने परिवार सह तिथे रहता होता, त्याचे बाहेर अनैतिक संबंध होते, त्यामुळे त्याच्या पती पत्नीमध्ये दोघांमध्ये नेहमी वाद व्हायचा। काल पण त्यांच्यात वाद झाला, त्यामध्ये त्या आरोपीने विक्की रोकडे याला राग आला, पत्नी वाद घालत आहे म्हणून, त्यामुळे त्याने चाकूने तिला जीवेठार मारण्याचा प्रयत्न केला। तिने डोक्यावर लागलं, ती बाहेर घराच्या बाहेर पळाल्यामुळे ती वाचलेली आहे। तिच्या रिपा आपण त्यांचं फिर्यादी पत्नी मेडिकल पोलीस स्टेशनला आली, प्रथम मेडिकलला पाठवलं, मेडिकलला आल्यानंतर त्यांच्या रिपोर्टवर आपण कलम 307 पदवीप्रमाणे गुन्हा नोंद केलेला आहे आणि आरोपीला रात्री उशिरा अटक करण्यात आलेली आहे। आरोपी सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहे। आरोपी जो विक्की रोकडे आहे, हा जुना पोलीस स्टेशनचा रेकॉर्ड गुन्हेगार आहे। 2015 त्याच्यावर 307 मोका अशा प्रकारचे गुन्हे होते, त्यामुळे तो आपल्या पोलिसांच्या ताब्यात आहे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।